हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ब्राज़ीलियन सेरी ए लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा फ्लुमिनेंसे एफसी और इसी जुवेंटूड के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। फ्लुमिनेंसे एफसी ब्राज़ील सेरी ए लीग में फिलहाल के टाइम पर 3 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें जुवेंटूड इस लीग की सबसे निचली सतह यानी 20 पोजीशन पर है। तो गाइज दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए फ्लुमिनेंसे को एक फेवरेट टीम मान कर चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस लीग में काफ़ी बेहतरीन पोजीशन पर भी है, प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं फ्लुमिनेंसे एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से, और यहां से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए जिनमें से फ्लुमिनेंसे इस टीम के सामने एक मैच विन कर चुकी है, 3 मैच ड्रॉ भी खेले और 2 मैच लॉस भी किए। अटैक से 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब जब भी फ्लुमिनेंसे इस टीम के सामने मैच खेलती है एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, और अटैक से प्रत्येक मैच में गोल भी नहीं कर पाती, कभी कभी इस टीम सामने एक गोल स्कोर करती है, और डिफेंस से भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी इस टीम के सामने एक गोल पर मैच कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस दोनों टीम की ओर से अगर देखा जाए हेड टू हेड का अकॉर्डिंग एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया उस मैच को जुवेंटूड इस टीम के सामने 1-0 से मैच को विन कर गई, लेकिन वो मैच जुवेंटूड ने अपने होम में खेला और उसे भी मुकाबला भी जुवेंटूड इस टीम के सामने 1-0 से विन कर गई, और वो मैच भी जुवेंटूड ने इस टीम के सामने अपने होम में खेला। अब आपको लग रहा होगा यार पोड़ भाई आप तो बोल रहे हो कि फ्लुमिनेंसे इस मैच में फेवरेट टीम है, लेकिन रिसेंटली 2 हेड टू हेड मैच तो जुवेंटूड ने विन किए हैं। तो गाइज मैं आपके लिए बता दूं ब्राज़ील लीग की जो भी टीम अपने होम में मैच खेलती है उसका काफ़ी ज़्यादा यानी आप मान सकते हो 80% वो टीम मैच को विन करने का दावेदार रखती है, क्योंकि होम का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है इस लीग में। और आज है फ्लुमिनेंसे का होम में, तो आज अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब भी फ्लुमिनेंसे इस टीम के सामने अपना होम में मैच खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो मैं आपके लिए यहाँ पर क्लियर करूँगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो डाटा है आपको पूरी तरह तब्दील देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कि फ्लुमिनेंसे ने अपने होम में इस टीम के सामने 5 मैच खेले हैं जिनमें से 3 मैच विन करें, 1 मैच ड्रॉ खेला, सिर्फ 1 मैच लॉस किया। अटैक भी काफ़ी शानदार है, डिफेंस भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है। तो कहने का मतलब फ्लुमिनेंसे इस टीम के सामने अपना होम में मैच को अधिकतर विन कर लेती या ड्रॉ खेलती, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं फ्लुमिनेंसे को फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। अब बात करें जो उससे पिछले मैच खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में, वो मैच फ्लुमिनेंसे ने या तो इस टीम के सामने विन करे हैं या मैच को ड्रॉ खेले हैं, लेकिन मैच को लॉस नहीं किया। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लुमिनेंसे का परफॉर्मेंस इस टीम के सामने होम में काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं, और आप यहाँ से भी लगा सकते हो कि कौन सी टीम इस मैच में विन कर सकती है। तो गाइस फ्लुमिनेंसे ने करंटली खेले हैं 6 मैच जिनमें से 2 मैच इस टीम ने विन करें, 2 मैच ड्रॉ खेले, 2 ही मैच लॉस किए। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब इस टीम का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली वो 50-50 देखने को मिलता है, अटैक से भी और डिफेंस से भी, या तो मैच को विन करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन कभी कभी तो लॉस भी कर लेती है। अब बात करें जो पिछला मैच फ्लुमिनेंसे फ्लेमेंगो के सामने 2-1 से मैच को विन करके आ रही है, और फ्लेमेंगो कोई हल्की टीम नहीं है, उसी के टाइम मतलब उसी के होम में अगर मैच को विन कर ले तो फ्लेमेंगो भी इस लीग की टॉप ऑफ द बेस्ट टीम है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। उस टीम सामने टीम 2-1 से विन करके आ रही है, और एक मैच कोरिंथियंस जो कि कोरिंथियंस इस लीग की टॉप बेस्ट टीम है, उस टीम का डिफेंस और अटैक काफ़ी शानदार है, और उसके सामने तो लॉस उसका सही है क्योंकि उसी के होम में खेली थी। और फिर फ्लुमिनेंसे फोर्टालेजा के सामने 2-1 से मैच को विन किए, और एक मैच इस टीम ने 1-0 से विन भी किया, और उससे पिछले 2 मैच टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेले, दोनों मैच में इस टीम ने गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस से गोल कंसीड भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली फ्लुमिनेंसे का देखा जाए तो अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है, और मैच को विन भी कर लेती है। अब बात आती है जुवेंटूड का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो भाई जुवेंटूड ने करंटली खेले हैं
6 मैच, जिनमें से अभी तक एक मैच विन नहीं किया बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 3 ही मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक भी काफ़ी डाउन है और डिफेंस भी डाउन है, क्योंकि टीम पर मैच में गोल कंसीड कर देती है और अधिकतर मैचेस लॉस करती या ड्रॉ खेलती लेकिन विन नहीं कर पाती। अब बात करें जो पिछला मैच फोर्टालेजा के सामने, ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैक से एक गोल स्कोर किया और एक ही गोल कंसीड किया और फ्लुमिनेंसे ने फोर्टालेजा के सामने ही 2-1 से मैच को विन किया है। फिर पाल्मेरास के सामने टीम 2-1 से लॉस करके आ रही है और फ्लुमिनेंसे ने पाल्मेरास के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेला और जुवेंटूस ने अवे के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला और उसे फिर मुकाबला इंटरनेशनल के सामने 4-0 से लॉस किया और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला और एक मैच क्वेवा के सामने 1-0 से मैच को लॉस किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए अटैक भी बराबर है और डिफेंस कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग फ्लुमिनेंसे की जो पोजीशन है वो काफी सेफ है और जुवेंटूस इस लीग की सबसे निचले सतह की टीम है फिलहाल के टाइम पर। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लुमिनेंसे जब भी इस टीम के सामने अपना होम में मैच खेलती है मैच को विन कर लेती है ड्रॉ खेलती है लेकिन इस टीम के सामने मैच को लॉस नहीं करती। लेकिन रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लुमिनेंसे का जो परफॉर्मेंस है अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है और जुवेंटूस का जो परफॉर्मेंस है अटैक भी डाउन है और डिफेंस भी डाउन है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में फ्लुमिनेंसे एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं फेवरेट टीम फ्लुमिनेंसे को मानकर चलता हूँ इस मैच में। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में कम से कम फ्लुमिनेंसे इस टीम के सामने 2 गोल आज स्कोर कर देगी और शायद डिफेंस गोल कंसीड ना करे, तो इसलिए अपना इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ मैं 2-0 और 2-0 के प्रेडिक्शन अनुसार मैं अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करूंगा ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं फ्लुमिनेंसे के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे जुवेंटूस के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं एक बार फ्लुमिनेंसे के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस मैच की 10 ग्रैंड लीग टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके लिए बता दूँ ये मैच ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन से काफ़ी शानदार है, समोर लीग में आप थोड़ा इन्वेस्ट करें लेकिन ग्रैंड लीग पर ज़्यादा फोकस करें। और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में गोल करेंगे और कितने गोल करेंगे वो मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में हर एक प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। ओके तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं फ्लुमिनेंसे के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस फ्लुमिनेंसे टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल है जर्मन कानो, इस टीम की तरफ से इसने 15 गोल किए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आज के मैच में इन्हीं को आप अपनी टीम में कैप्टन जरूर बनाना। अगर आप 20 ग्रैंड लीग टीम के साथ खेल रहे हो कम से कम 5-6 टीम में तो इसको आप कैप्टन बना सकते हो, इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है गोल करने की। अब आप देख सकते हो तो इसने सिर्फ अकेले 15 गोल किए, बाकी सभी प्लेयर्स ने कुल मिलाकर 15 गोल मिलाए हैं तो ये पोटेंशियल है गोल करने के। ओके फिर यहाँ से जॉन एरिस इस टीम की तरफ से 5 गोल निकाल चुका और डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा खासा दे जाता तो इनको भी आप टीम में ट्राई करके जा सकते हो। फिर यहाँ से मैनुअल है जो कि प्रीवियस मैच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन इसका रीसेंट फॉर्म अच्छा है। फिर यहाँ से जेंस जो कि प्रीवियस मैच में एज ए नंबर 10 खेला था, अगर आज भी उसी पोजीशन पर ये खेलता है ना तो इनको आप टीम में कम से कम 2-3 में कैप्टन जरूर बनाना। और इस टीम की तरफ से ये फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है, प्रीवियस मैच में भी गोल किया है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से विलियन है, खेलने के चांस थोड़े से डाउन है। फिर नाथन है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैथियस मार्टिनेस है, मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, एक दो टीम में लेकर चलना बाकी में ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी सी मान ले कि असिस्ट पोटेंशियल तक है गोल की नहीं है। फिर यहाँ से लुइस हेनरिक है जो कि इस टीम तरफ से 2 गोल निकाल चुका, बाकी के रिकॉर्ड सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो मैं आपके लिए टिक कर रहा हूँ, जर्मन रहेगा और यहाँ से गैनसो रहेगा, इन दो प्लेयर्स को पिक करके चलना। और फिर आपके सामने जॉन रहेगा तो इनको भी पिक करना, बाकी लाइनअप के बाद देखेंगे कि कौन सा प्लेयर बेहतर पोजीशन पे खेलेगा और 90 मिनट कंप्लीट खेलेगा उसके अनुसार हम इनको पिक करेंगे। ओके तो अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले अगर देखा जाए जॉन एरियस जो कि इस टीम की तरफ से गोल और असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट रहा है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। फिर यहाँ से गैनसो है जो कि गोल
पोटेंशियल असिस्ट पोटेंशियल हाई प्लस इस टीम की तरफ से पेनल्टी टेकर है, तो इनको पिक करना जरूरी है। फिर यहाँ से जर्मन कानो जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो तीनों प्लेयर को हम अपनी टीम में किसी भी कंडीशन में अभी के लिए ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी टीम का डिफेंस डाउन है तो इन प्लेयर्स का गोल असिस्ट आ सकता है। फिर यहाँ से लुइस हेनरी के ये भी अच्छा प्लेयर हो सकता है इस मैच में, लेकिन लाइनअप के बाद देखेंगे। बाकी के रिकॉर्ड आपके सामने, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जब मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाऊंगा तब आपको मैं वहां पर भी डिटेल्स में बता दूंगा। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो हम नज़र डालते हैं जुवेन टूडे के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जुवेन टूडे टीम तरफ फिलहाल के टाइम में हाइट गोल्डर इशिडो पिट्टा, जो कि इस टीम तरफ एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा, इनको आप टीम में ट्राई करना क्योंकि इसका चांस ज्यादा रहते हैं गोल आने के। ओके, फिर यहाँ से ऑस्कर र्यूज जो कि डिफेंसिव वर्क भी कर लेता है तो इनको भी पिक कर सकते हो। विक्टर गैब्रियल इस टीम की तरफ से, विटोर गैब्रियल जिसने दो गोल किए हैं, रिकार्डो बुइना जिसने इस टीम के लिए दो गोल किए लेकिन एक गोल इसने पेनल्टी में किया है। फिर यहाँ से चीनो और यहाँ से बुइनो, ये दोनों में से एक कोई पेनल्टी लेगा, जो भी खेलेगा वो पेनल्टी इस टीम तरह से लेगा। आप अंदाजा लगा सकते हो इस टीम ने अभी तक 23-24 मैच खेले हैं, सिर्फ दो आए हैं पेनल्टी में गोल। क्या आज भी गोल पेनल्टी में आएगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन बहुत कम विन करती है टीम पेनल्टी। ओके, बाकी का आप सामने प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ से पिट्टा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ऑस्कर रुइज रहेगा और विटोर को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी लाइनअप के बाद हम पोजीशन को देखते हुए प्लेयर को टीम में ट्राई करेंगे। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर है जिन्होंने इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए चीको है जिसने दो असिस्ट किए हैं। अब आप देख सकते हो 20-25 मैच में अगर कोई एक गोल और दो असिस्ट करे, क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर वो है आपका अकॉर्डिंग? मेरा अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कि हर मैच में गोल कर दें। बाकी यहाँ पर जितना और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। प्रीवियस मैच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। फिर यहाँ से रोड्रिगो, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है अगर गोल असिस्ट नहीं करेंगे तो कम से कम 20+ पॉइंट दे जाएंगे आपके लिए, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन मैंने रखा है इस मैच में 2-0, क्या सही रखा है? दोनों टीम का हमने रिकॉर्ड भी देखा है और टीम का रिसेंट फॉर्म भी देखा, मेरे हिसाब से सही है, तो इसलिए 2-0 को प्रेडिक्शन को अनुसार क्या रहना चाहिए इसमें जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नजर डालते हैं अब इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर, और अब इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट भी शुरू होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि इस मैच में फेवरेट टीम फ्लुमिनेंस है, और फ्लुमिनेंस का मैं अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करूंगा बिना सोचे समझे, क्योंकि हमने सब कुछ अभी तक वीडियो में देख चुके हैं। फिर जुवेंटेड एक हल्की टीम है, तो हल्की टीम के हम सिर्फ 4 प्लेयर पिक करेंगे, और 7-4 के कॉम्बिनेशन के अनुसार इस मैच में हम अपनी कंप्लीट टीम बनाएंगे विद 11 प्लेयर्स का कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो मैं आपके लिए हर एक प्लेयर्स को बताऊंगा कि इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, तो बात करें गोलकीपिंग सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो रहेगी वो जुवेंटूड की तरफ से रहेगी। क्यों? क्योंकि जुवेंटूड का जो गोलकीपर है इस मैच में आज भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि फ्लुमिनेंस है तो अपना होम में अच्छा परफॉर्मेंस करती है अटैक से भी और डिफेंस से भी, तो गोल शायद इस टीम का गोलकीपर इस मैच में ज्यादा टेस्ट ना हो पाए, तो इसीलिए मैं अपनी टीम में जुवेंटूड के गोलकीपर को पिक करूंगा। समोर लीग में तो इन्हीं को पिक करना, ग्रैंड लीग में आप यहां से मैसेल को पिक कर सकते हो। ओके, बात करें डिफेंडर सेक्शन में, तो अधिक से अधिक मैं अपनी टीम में डिफेंडर फ्लुमिनेंस का पिक करूंगा। फिर यहाँ से जेवियर रहेगा, मैनुअल रहेगा, पुलिस्टा रहेगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छे खासे देंगे, तो यहाँ से पोलिस्टा को तो अपन टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, इसके अंदर पोटेंशियल है गोल असिस्ट की, और जेवियर हेडर में सेट रहूंगा, तो इन तीन प्लेयर को पिक करके जरूर चलूंगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल हो, तो इनको पिक कर सकते हो। फिर एक और ऑप्शन है फिल हो की जगह, अगर ये नहीं खेलेगा फिल हो नहीं खेलेगा तो उस कंडीशन में एक प्लेयर्स है जिसका नाम है डाशिल्वा, ये भी खेल सकता है, उस कंडीशन में आप इनको ट्राई कर सकते हो। और पिनेडा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है जो डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है। ओके, तो मैं अभी के लिए टॉप तीन को पिक कर चला हूँ। अगर आपको लगे कि जुवेंटूड की तरफ से किसी एक डिफेंडर को हमें टीम में ट्राई करना, तो रोड्रिगो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, प्रीवियस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसने डिफेंसिव वर्क से, असिस्ट पोटेंशियल है लेकिन कभी कभी नहीं निकाल पाता, लेकिन हम इन्हीं को अपनी टीम में ट्राई करके चलते हैं। बाकी प्लेयर्स हैं जो उनको मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेयर्स का कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में खेलेगा, क्योंकि एक ही प्लेयर को हमें पिक करना है यहाँ से, लेकिन वो लाइनअप के बाद। बात करें डिफेंडर सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जुवेंटूड की तरफ से वो है फ्रांसिस्को, जो कि इस टीम तरफ से डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है, तो इनको पिक करना जरूरी है। फिर यहाँ से पेड्रो हेनरिक है जो कि इस टीम तरफ से
काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकता है। फिर मैथिस मार्टिनेस है, प्रीवियस मैच में इतने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था और 69 मिनट मैच में खेला और सब्स्टिट्यूट हो गया, तो आज के मैच में भी क्या गोल करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं अभी के लिए ड्रॉप कर गया हूँ क्योंकि प्रीवियस मैच का अकॉर्डिंग इसको मैं नहीं पिक करना चाहता। लेकिन और रुइज है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो इनको मैं इसलिए ट्राई करके जाता हूँ अपनी टीम में। बाकी मैं किसी भी प्लेयर को अभी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। विक्टोर है, इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन लाइनअप के बाद इनमें से हम प्लेयर देखेंगे। ओके, अभी के लिए खेलने का चांस कम है। फिर मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जर्मन कानो, जो कि इस टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है फिलहाल के टाइम पर। 15 गोल और 4 असिस्ट निकाल चुका है, तो एक क्लास प्लेयर है। फिर यहाँ से जॉन एरियस है, जो कि इस टीम की तरफ से 5 गोल और 4 असिस्ट निकाल चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो दोनों प्लेयर्स को मैं अभी के लिए ड्रॉप नहीं करने वाला। ओके, फिर आपके सामने मिगोल को पिक कर सकते हो जुवेंटुस की तरफ से, या आप पिक कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन विक्टर गैब्रियल, जो कि इस टीम की तरफ से प्रीवियस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आप इन्हें रख सकते हो जुवेंटुस की तरफ से। और आपके सामने जो बाकी प्लेयर्स हैं, मुझे इनका खेलने का चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इन सभी को ड्रॉप कर गया हूँ। तो मैं अभी के लिए आई थिंक डिफेंडर को सजेस्ट करूंगा, अभी के लिए नीनो फिलहा को पिक करता हूं। ओके, क्योंकि प्रीवियस मैच में अच्छे खेला। आप देखो आपके सामने फिलहा पिक एक चॉइस है, फिर यहां से पिट्टा है, इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लुमिनेंसे के डिफेंडर को पिक करना सही समझता हूं। तो मेरी टीम में कैप्टनसी की बात की जाए तो आई थिंक कैप्टनसी की जो बेस्ट ऑप्शन है जर्मन कानो मेरी टीम में। और वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो गैंडसो है, जो कि प्रीवियस मैच में गोल कर चुका है और ये एज ए नंबर 10 भी खेला था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज भी कर सकता है। लेकिन मैं अपनी टीम में मैनुअल को वाइस कैप्टन देता हूँ, क्योंकि डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेगा, बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता है ना। और क्लीन शीट मिल गई तो 20 पॉइंट हुआ गए, 20 पॉइंट वैसे आप मान सकते हो 40 तो यही हो गए, अगर इसने असिस्ट और गोल कर दे तो मजा ही आ जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन उनको देख चलाऊँ। तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है। तो ये याद रहे, ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो लाइनअप के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का, जॉन एरियस है, जिनको आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और यहाँ से जेंसो है, इनको बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। ओके, तो ये दो बेस्ट ऑप्शन लगे, बाकी मैं किसी भी प्लेयर को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको किसी डिफेंडर को कैप्टन बना, यहाँ से पॉलिस्टा काफ़ी अच्छा है, जो कि गोल और असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट है, डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेता है, तो इनको मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैनुअल को बना चलाऊँ, क्योंकि लाइनअप पर डिपेंड है कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन तो क्लियर, वाइस कैप्टन की लास्ट चॉइस है। ओके, तो ये मेरी अभी के लिए टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की हर मैच की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। और दोस्त, इतने लेट नाइट के अगर वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो मेहनत तो आपके लिए करिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच।